10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत स्काउट एंड गाइड कॉलेज में वृहद योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सांसद फूलपुर प्रवीण कुमार पटेल, विधायक फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य विधान परिषद सुरेंद्र चौधरी, नवनीत सिंह चहल जिलाधिकारी, गौरव कुमार मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से लगभग 8000 लोगों के योगाभ्यास के लिए प्रबंध किया गया था, लेकिन आगंतुक उससे कहीं अधिक थे। यह योगाभ्यास कार्यक्रम प्रतिवर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस के साथ ही योग स्वयं एवं समाज के लिए थीम को समाहित किए हुए था। 15 जून से संचालित योग सप्ताह के समापन के पश्चात बृहद रूप में योगाभ्यास का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की रूपरेखा जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने तैयार की थी, जिसका क्रियान्वयन मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार एवं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के मार्गदर्शन में डॉक्टर शारदा प्रसाद क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा उनकी टीम द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए समाज को बीमारियों व महामारियों से बचने के लिए योग को नियमित रूप से अपनाने पर बल दिया। उन्होंने योग की वैश्विक प्रासंगिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस विशाल एवं ऐतिहासिक योग कार्यक्रम के लिए पूरे जिला प्रशासन एवं सहयोगी विभाग व प्रयागवासियों को बधाई दी। मैं सबको विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपील करूंगा कि योग दिवस केवल योग दिवस के लिए नहीं है, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। बहुत बाल अवस्था से हम लोग ये कहावत सुनते आ रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, और इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पहला जो सुख है संसार का वह निरोगी काया को दिया गया है। और निरोगी काया के लिए योग ध्यान व्यायाम आदि यह करना हर मानव का धर्म है और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का दायित्व तो है। और सबसे आज के दिन यही अपील करेंगे कि इसका हिस्सा बने। प्रयागराज के लिए मैं ये आज जरूर कहूँगा कि 2025 के कुंभ में अब देरी नहीं है, उसके लिए प्रयागवासी सदैव से, ये कोई आज से नहीं हो रहा है, आदिकाल से हो रहा है, और प्रयाग ने सदैव दुनिया भर से आने वाले कुंभ यात्रियों का स्वागत किया है, सत्कार किया है। सरकार के स्तर से हम लोग कोई कमी न रह जाए इसका प्रयास कर। पूरा क्षेत्र 4 जोन एवं 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया था, जिसमें 8000 से अधिक पंक्तिबद्ध योगाभ्यासी खड़े थे। योगाचार्य धर्मेंद्र मिश्र ने भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 45 मिनट का योगाभ्यास कराया, जिसमें 32 विभिन्न प्रकार के योगासन थे। प्रत्येक सेक्टर में 2-2 मास्टर ट्रेनर की भी तैनाती की गई थी। योगाभ्यास के पश्चात सहयोगी संस्थाओं, विभागों एवं मास्टर ट्रेनरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पूरे कार्यक्रम की प्रशंसा की तथा जिला प्रशासन व आयुष विभाग की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। शारदा प्रसाद क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने अवगत कराया कि आयुष विभाग के चिकित्सालयों योगाभ्यास के माध्यम से बीमारियों के इलाज के लिए कुशल योग प्रशिक्षक नियुक्त हैं, जहां से जन सामान्य अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित उपचार प्राप्त कर सकता है।